चलिए अब चलते हैं डे आउट पर, आपके एक पसंदीदा कलाकार के डे आउट पर। वैसे डे आउट का एक फ़ायदा है, कलाकार की ज़िंदगी कैसी होती है, वो कैसे अपना दिन बिताते हैं, कैसे अपने आप को फिट रखते हैं और कैसा उनका घर है, ये सब कुछ पता चल जाता है। आज भी आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ। दिस इज अथर्व, आप मुझे देखते हैं तुझसे राब्ता पे, लेकिन शगुन आमतौर पर जिंदगी में कैसा है ये आज आप देख सकते हैं। प्लीज कम इन। आई लिव इन अ स्मॉल, छोटा सा अपार्टमेंट, बिकॉज मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। आप 12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद आपको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। सो आई लाइक स्टेइंग लाइक दिस, स्मॉल लिटिल अपार्टमेंट, कोई ज़्यादा चोचले नहीं है, इसी को मेंटेन करने में जान निकल जाती है। हैट्स ऑफ टू ऑल द हाउसवाइव्स, प्लीज़ कम इन। यूजली रात को अराउंड 9-10 बजे पैकअप होता है, उसके बाद जिम जाता हूँ और उसके बाद फिर घर आके खाना खाने के बाद तकरीबन 1-2 बज जाते हैं, इसलिए रात को फिर टीवी भी देख के लेट सोता हूँ। इसलिए सुबह कॉल टाइम अगर 9 बजे का है तो मैं 8 बजे उठता हूँ, और 8 बजे उठ के दिस इज़ हाउ इट लुक्स, आई स्लीप हियर। आई डोंट लाइक अ बेड, आई लाइक स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। आप मेरे सेट पर भी देखेंगे तो आई प्रेफर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, इंडियन सिटिंग मेक्स मी कम्फर्टेबल। आई थिंक सबसे पहला काम जो करना चाहिए कि भगवान को थैंक यू बोल देना चाहिए, आपको जो जो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करने को मिल रही है, इतने टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, ABP के साथ ऐसे इंटरव्यू करने को मिल रहा है, तो इसके लिए थैंक यू बोलना ज़रूरी है। तो आके पूजा कर लेते हैं। गाड़ियों और बाइकों का बहुत शौक है, तो हार्ले डेविडसन जब मैं स्प्लिट्सविला फिनाले करके आया तो मुझे ये घड़ी मिली थी। दिस इज़ माय वार्डरोब, यहाँ कपड़े रखता हूँ मैं, एंड दिस इज़ सम मोर, आई वॉच नेटफ्लिक्स हियर, नेटफ्लिक्स और जितने भी आजकल, आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड, जितना भी नया चीज़ें रिलीज होती हैं, कॉन्टेंट रिलीज होता है मैं देखता हूँ, और दीज आर सम मेजर जो मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, जहाँ लिखा होता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ऑनेस्टी से कर रहा हूँ। दीज आर मेजर थिंग जो आप सुबह उठ के आप याद रखना चाहते हैं। BMW बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये बहुत क्रेजी है या इस BMW के पीछे कहानी ऐसी है कि मैं मुझे गाड़ियों का, क्योंकि आपको पता लगा मुझे शौक है, इसलिए मैं रीम को, क्योंकि रीम के पास BMW है, तो आई कीप टेलिंग हर फादर कि मुझे तो आप जिस दिन दूसरी गाड़ी लोगे आपकी BMW मैं ले लूँगा, आपकी BMW मैं ले लूँगा। तो सीक्रेट सेंटा पे इस बार रीम ने मुझे BMW गिफ्ट की, लेकिन ये वाली बहुत ही महंगा मॉडल है, लेकिन रीम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि जिस दिन वो एक शो साइन करेंगी या फिल्म साइन करेंगी नया, उस दिन वो मुझे ओरिजिनल थोड़ी बड़ी BMW गिफ्ट करेंगी, तो ये उनका। और इसके साथ एक टी शर्ट दी थी उन्होंने मुझे सीक्रेट सैंटा पे। मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए और इस घर में कपड़े और जूते फिट नहीं आ रहे, बट मुझे ये घर छोड़ना नहीं है। बट एनी वे आई विल सी कि क्या कितने कपड़े हैं, आई थिंक जब उसे बाहर ही गिर जाएंगे, मतलब अलग रंग बिरंगे कपड़े, अलग अलग पूरे भरे, मतलब कभी कभी तो ढूंढने में भी मुश्किल हो जाती है, बट इट्स ओके। कुछ कैप्स हैं
मेरे पास, लेकिन अभी बहुत सारी आनी बाकी है. ऑर्डर्ड मोर, आई थिंक 13-14 कैप है जो आने वाली. किचन है ये मेरा एंड दीज आर द पीपल. मैं जब बॉम्बे नया नया आया था तो मुझे तकरीबन 9 लोगों के साथ एक कमरा शेयर करना पड़ता था. फिर ऊपर वाले ने थोड़ी रहम बरसाई और अब मैं अकेले रहता हूँ बॉम्बे में. सो उसके जिस दिन से मैंने अकेला रहना शुरू किया है, दीदी ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है. मैं जब घर आता हूँ मैं हमेशा सुकून में होता हूँ क्योंकि मेरा घर बहुत ही साफ़ सुथरा और सुंदर लग रहा होता है. इतना सपोर्ट करता है. मेरी फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली है, जो मेरे खाने पीने का, मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, मेरे को एटीएम से कितना पैसा निकालना है, मेरा प्रोटीन बना कि नहीं बना, मतलब सेट पे हज़ार चीज़ें. सेट पे बाकी एक्टर्स को कुछ चाहिए होता है तो विक्की उनका ध्यान रखता है और विक्की सेट पे मुझसे ज़्यादा फेवरेट और फेमस है. अभी बीच में विक्की अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं ये, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसकी वजह से पूरा सेट थोड़ा सा दुखी था कि उनको कुछ दिन के लिए जाना पड़ा था, बट नाउ इज़ बैक, ही इज़ टेकिंग केयर, ही इज़ मेड ब्रेकफास्ट फॉर मी. यू कैन सी हर, दिस इज़ द ब्रेकफास्ट जो मुझे सुबह खाना है, प्लस प्रोटीन एंड this is about it and I'll have some chai. So this is my मतलब मेरा कुछ चोरी हो जाए, मेरे घर में डाका डल जाए, लेकिन ये ना हो. और ये मतलब ये मैंने जूतों, मुझे जूते बहुत पसंद है और मेरी ज़िंदगी की तकरीबन आधी कमाई जूतों में जाती है. तो ये है कुछ 150-200 पेयर होंगे. कभी कभी तो खुद ही भूल जाता हूँ कौन से डब्बे में क्या पड़ा है. ये थोड़े से इधर हैं, थोड़े से ये पड़े हैं नए जूते जो अभी खुले भी नहीं हैं. या सो हम लोग अब जिम जाने हैं. लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वन थिंग, शगुन एंड दिस इज़ रवि पांडे, माई फादर्स नेम. सो मतलब पापा हैं तो हम. लग्जरी कार नहीं है लेकिन क्रूज है. बचपन से वो कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि हम तो बड़ी मेहनत करते थे, हम साइकिलों पर जाते थे, हम नदियाँ तैर तैर कर स्कूल जाते थे. मैं भी देखो ये क्रूज, ये जो मेरी खड़ी है ना, इसमें बैठ कर फिर मैं उस तरफ जाऊँगा, उस तरफ जाके फिर मैं ऑटो करूँगा, ऑटो से फिर मैं सेट पर जाऊँगा, क्योंकि अदरवाइज जाऊँ तो मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, इससे सिर्फ 15 मिनट में. आम आदमी की शाही सवारी, लेट्स गो. जी ये हमारे सफ़र का लास्ट पड़ाव है, इसके बाद हम सीधा सेट पर पहुंचेंगे. देखिए किसका शॉट चल रहा है. हम
हमारी कजन हीरोइन जो सबके सबकी थोड़ी थोड़ी हीरोइन है ये, थोड़ी सहवान की, थोड़ी मेरी, थोड़ी रचित की। बस अभी एक्चुअली मैंने जैसे ही सुना ना कि शगुन आ गया, मैं जोर से आके इसकी बेइज्जती करने वाली थी, बट फिर मैंने देखा कि ये चलो थोड़ा कैमरा वैमरे के सामने, तो आई डिसाइडेड कि एबीपी के सामने इसकी इतनी बेइज्जती ना करूं, बट ऑफ स्क्रीन जितनी बेइज्जती है मेरी करता है। जितनी बेइज्जती मैं इसकी करती हूं, इतना कोई और नहीं करता। सबने घर पे हमारी BMW भी देखी है। हाँ, अरे आपको पता है मैंने इसको BMW गिफ्ट की। रीम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि जिस दिन रीम फिल्म साइन करके संजय लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली साहब की फिल्म साइन करेगी, रीम इज गोना गिफ्ट मी अ X7। यस, आई डिड प्रॉमिस दैट बिकॉज़ मैंने अभी इसको छोटी वाली टॉय कार दी, बोला जिस दिन भंसाली सर ने मुझे साइन कर लिया ना उस दिन एक BMW मैं तुझे गिफ्ट करूंगी। तेरे ऑपोजिट मैं ही हूं, ठीक है। मैंने जैसे बताया इंडियन सीटिंग, एकदम घर जैसा माहौल आ जाएगी। सो यहाँ हमारे जूते उतरते। भाई 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 मैं बोल रहा हूँ इसलिए। तो ये हमारा कमरा है। हाउ अदर गेट्स रेडी और बाकी पूरे दिन की जर्नी बाबा से ओके करवा लेते हैं। बाबा बाबा तुम कपड़े क्यों नहीं बदल रहे हो? बाबा डेढ़ महीने से तुमने एक ही कपड़े पहने हुए। नक्सलियों ने जब से पकड़ा है मुझे कपड़े ही नहीं दिए दोबारा। मैंने कहा कोई डिजाइनर बुला लो, नक्सलियों को मानते नहीं। बाबा ना तुम वापस नहीं आ रहे तो मेरी दाढ़ी नहीं कट रही है, तुम्हारी भी नहीं कट रही है, कौन मेरा ध्यान रखेगा? दोनों भाई मिलके, दोनों बाप बेटे मिलके एक दूसरे की दाढ़ी काटेंगे एक दिन, ऐसा सीन में करते हैं। ये आप लोगों ने देखा, ये है मेरा डेली रूटीन, ऐसे मैं ज़िंदगी बिताता हूँ, मतलब इस वक्त तक मैं जब सेट पे, इसके बाद तो पूरा दिन हमारा सेट पे निकलता है, फिर शाम को घर या फिर दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल, कीप लविंग राबता, कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग द शो। यस। नायरा कार्तिक की शादी कहां तक पहुंची? क्या वेदिका ने कोई नया ड्रामा किया? भाई किया ही होगा, क्योंकि अगर वो ड्रामा नहीं करेगी तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। के साथ साथ वेदिका के दिल के अरमान भी उड़न छू हो गए हैं, क्योंकि पूरा परिवार संक्रांति के दिन एक साथ पतंग उड़ा रहा है। तो दादी ने नायरा को भी बुलाया है और जहां नायरा होती है कार्तिक का दिल और कार्तिक की आंखें बस नायरा को ही देखती रहती हैं, और यही देखकर वेदिका को डर लग रहा है कि कहीं नायरा और कार्तिक एक ना हो जाए। पतंगबाजी के बीच आया रोमांटिक मोमेंट, नायरा की उंगली पतंग की डोर से कुछ कट सी गई थी, तो क्या नायरा का कार्तिक तुरंत पहुंच गया उसकी नायरा के पास। कार्तिक के साथ साथ हमने चाचा और चाची को भी रोमांस फरमाते हुए देखा। पतंगबाजी और रोमांस का किस्सा खत्म हुआ तो आरती के साथ नए साल की शुरुआत की भी बातें की गई, जहां मन ही मन लगता है कार्तिक ने वेदिका को टॉन्ट मारा था, लेकिन वेदिका कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन इतना तो तय है कि पूरे घर वालों के रवैये से वेदिका डर सी गई है, और ये ही डर वेदिका की सच्चाई को सामने ले आएगा और जल्द ही वेदिका दूर हो जाएगी कार्तिक नायरा की जिंदगी से।
मुंबई से सोमा वैद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब देखिए सास बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल स्टोरी। वेलकम, नमस्ते सबको, मेरा प्रणाम। सास बहू और साजिशों में आपका अपना रणबीर कोहली फ्रॉम कुमकुम भाग्य, आई एम राइट हियर एबीपी न्यूज पे। आप सब मुझे देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि व्हाट्स इन माय बैग। हालांकि सारे लोगों को नहीं पता मेरे बैग में क्या है, बट अब बोला है आपने, मांगा है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आप मुझे जज मत कीजिएगा, मेरे बैग में ना बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, बहुत ही पर्सनल भी हैं, तो ये मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता है आधी ज़्यादा चीज़ें, तो आज शायद इससे मेरे मॉम डैड भी देख लेंगे। तो पहले शुरुआत होती है मेरे ड्रायर से। ओह, सब कुछ निकल गया, हेयर ड्रायर। हालांकि हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं तो पसीना वसीना आ जाता है बालों में, और शो पे ना बाल कभी गीले कर देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं, तो जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत हम लोग अपने ब्लो ड्राई कर लेते हैं बाल। ब्लो ड्राई करने से क्या होता है, बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। जब भी मैं मुग्धा के साथ सीन करने जाता हूँ, मतलब प्राची के साथ सीन करने जाता हूँ, मैं हमेशा एक मुँह में डाल लेता हूँ ताकि मेरे अंदर से अच्छी खुशबू आए और वो मेरे करीब भी रहे, मेरे से दूर ना जाए। घर पे मम्मी तो है नहीं, तो मैं अपना खुद ही खाना बनाता हूँ। सुबह उठ के खाना खुद बना के खाना खुद पैक करता हूँ, और मैं उसको, आज मैं ओट्स लेके आया हूँ। इस किताब का नाम है हाउसफुल। ये किताब मैंने अभी नहीं खरीदी है, एक्चुअली मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किताबें नहीं पढ़ पाता हूँ यूजली, मैं थोड़ा सा इतना समझदार नहीं हूँ। तो अब जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किताबें पढ़ूँ, मैं सारी वो चीज़ें करूँ जो मैंने बचपन में कभी नहीं करी। तो शुरुआत ऑब्वियसली हाउसफुल, गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा। मुझे इससे बेहतर कुछ लगा नहीं देखने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ये ले लेता हूँ। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें लिखता रहता हूँ। जो जो चीज़ें अच्छी हुई हैं दिन में उसके बारे में लिखता हूँ, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं दिन में उसके बारे में लिखता हूँ, कुछ कहानियाँ लिखता हूँ, कुछ चीज़ें सोचता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें सोचता हूँ। बहुत, एक दिन में मैं कम से कम 150 बार ये सोचता हूँ कि मैं अगर यहाँ नहीं होता तो मैं कहाँ होता, अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता। बॉम्बे के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये शेड्स। ये शेड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉम्बे का मौसम बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। कभी सुबह इतनी ठंड होती है, कभी शाम को इतनी धूप होती है, तो मैं सब कुछ लेके चलता हूँ। मैं स्वेटर्स वगैरह भी लेता हूँ, वो बाहर रखा हुआ मेरे स्वेटर, ये स्वेटर भी लेके आता हूँ मैं साथ में, ताकि मुझे जब सुबह सुबह ठंड लगे तो मैं पहन के आता हूँ। ये है मेरे हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे, ताकि मेरे बाल एक जगह पे ले। हालांकि मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, ये मैंने इसलिए खरीदी है क्योंकि मुझे दिखने में अच्छी लगती है, लाल है, और कोई रीज़न नहीं है, मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं करी है गाइस। मेरी सबसे फेवरेट आइटम मेरी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि, मुझे लगता है अगर मैं काला हो जाऊंगा तो मुझे कोई काम नहीं देगा, तो इसीलिए मैं बहुत डरता हूँ। इसलिए मैं गोरा ही रहना चाहता हूँ जिंदगी भर। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग ऐसे ही पसंद करें, मैं हमेशा ऐसा रहूँ। तो ये सनस्क्रीन हाथ पाँव मुँह टांगे हर जगह लगाता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो मेरी ज़रूरत की है, जैसे मेरे पास किताब है, पेन है, हेयर वैक्स है, शेड्स हैं, अपनी एक छोटी पर्सनल डायरी है, मेंस है क्योंकि कभी भी किसी के भी करीब जा सकते हैं, सनस्क्रीन है, खाना है, और हेयर ड्रायर है, और ये छोटा सा स्वेटर जिसकी बॉम्बे की ठंड भी अनप्रेडिक्टेबल है। हालांकि मेरे पास कुछ ऐसा काम का नहीं है, मतलब मेरे पास कभी चार्जर नहीं हुआ कि कहीं मैं खो जाऊं तो मेरे पास चार्जर हो, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी नहीं रहता। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है मेरे पास बैग में। मेरे पास बैग में सिर्फ चीज़ें हैं जो शायद मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को टाइम दिया। प्लीज़ वॉच एबीपी न्यूज़, प्लीज़ देखिए सास बहू और साजिशें, बहुत इंटरेस्टिंग। और अब देखिए सास बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल स्टोरी। La
आईटी की शरारतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये शरारतें खत्म भी कैसे हो भला, जब इलायची के जीजाजी किसी और के साथ घूम रहे हैं। ये बात इलायची को कैसे पच सकती है भला। अब देखे ना, जीजाजी सरगम को चांदनी चौक घुमा रहे हैं। सरगम को घुमाते घुमाते जीजाजी ले आए हैं इस हनुमान मंदिर में। और यहाँ आते ही जीजाजी और सरगम को मिली हनुमान जी के रूप में एक अनोखी भविष्यवाणी, जो कि हमारी खुराफाती इलायची ने की थी। हम देख सकते हैं कि तुम सच्चे प्रेम की तलाश में हो, और वो सच्चा प्रेम तुम्हारे आसपास नहीं है। लेकिन हनुमान जी की भविष्यवाणी बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ हमें लग रहा था कि शायद एक बहुत इवेंटफुल आज मेरी प्रार्थना होने वाली है, बट बाद में पता चलता है कि वो इलायची है। और एज़ यूजुअल बेवकूफ़ बना रही थी, तंग कर रही थी, और गुस्से में आके मैं वहाँ से निकल गया। अब इलायची के भविष्यवाणी का खुलासा हुआ तो जीजा जी इस बात से नाराज होकर तो निकल लिए। लेकिन सरगम को इलायची ने जता ही दिया है कि जीजाजी सिर्फ इलायची के हो सकते हैं, क्योंकि इलायची और जीजाजी का प्यार सिर्फ एक दूसरे के लिए है, किसी और के लिए नहीं। वो क्या है ना, सिंपल से है, स्वीट से, क्यूट से है, और पता है सबसे स्पेशल बात, ही ओनली लव्स मी, इलायची। सॉरी हनुमान जी, हनुमान जी हाँ, वो इतना ज़्यादा स्पून फीड कर दिया है कि अब तो मुझे डर ही लग रहा है पंचम जी से बात करने में। बट मैं कोई बात नहीं बट मैं जेन्युइनली चांदनी चौक घूमना चाहती थी, और ही इज़ वेरी स्वीट, ये मुझे घुमाने के लिए लाए। और वो तो मंदिर ही दिखा रहे थे, और कौन सा क्लब लेके चले गए थे यार, हमें पता नहीं। ये इलायची जी पता नहीं क्यों तंग करती रहती है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको पसंद ही नहीं आया। खैर, सरगम को तो इलायची ने बहुत बार बताकर ये क्लियर कर ही दिया है कि जीजा जी सिर्फ और सिर्फ इलायची के हैं। लेकिन अब जीजा जी के मन का क्या, जो सरगम की ओर खींचा जा रहा है। कितना भारी पड़ने वाला है जीजा जी पर ये लव ट्रायंगल, ये भी देखने में बड़ा मजा आएगा। नेहा शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए, हम जानते हैं कि आपकी पसंद क्या है, और हम आपकी मनपसंद कहानी इसीलिए तो लेकर आते हैं। हम ये जानते हैं कि आपको सीरियलों के बिहाइंड द सीन देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम लेकर आए हैं आपके लिए सीरियल का ऑन लोकेशन, ताकि आपको पता चले कि पर्दे के पीछे की क्या है कहानी है। शुरू हो गया है माया के बदले का सिलसिला, और माया को मिल गया है उसका पहला शिकार। अब रुद्र के पापा ने माया से उसका बच्चा छीना था, तो माया आ गई है खून का बदला खून से लेने के लिए। और माया ने कर दिया है रुद्र के परिवार पर पहला वार। रुद्र को मारने से पहले माया ने अपना माया जाल रचा, अपने ही मौत का खेल दिखाने के बहाने रुद्र के भाई को वहां बुलाया, खुद के खुद खुशी की धमकी देकर बदले में माया ने ले ली रुद्र के भाई की जान। ऋषि के ऊपर मुसीबत ये है कि मुसीबत नहीं है, खैर वो प्यार है, माया का प्यार है जो उसको वहाँ तक ले आया, जो ऋषि को ये चीज़ करने पे मजबूर कर रहा है। और ऋषि आया है माया को बचाने के लिए, वो प्यार में इतना पागल हो चुका है, तो अब उसको कुछ दिखता नहीं है, बस माया दिखती है हर चीज़ के लिए। अपने घर पे भी वो लड़ाई करके आया है, तो वो सारी चीज़ें दिखेगी अभी एपिसोड्स में। अब माया ने रुद्र के भाई की जान ली है, और दूसरी तरफ माया रुद्र के प्यार में पड़ चुकी है। लेकिन अब रुद्र क्या करेगा, माया से प्रेम की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा, या वो भी लेगा माया से अपना बदला, क्योंकि रुद्र के चेहरे पर अपने भाई को खोने की तड़प साफ साफ देखी जा सकती है। हाँ, बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि जब आपकी फैमिली में कभी भी खासकर सगा भाई, जिसको अगर खरोंच भी आ जाए तो आप एकदम पागल हो जाते हैं।
खैर ये तो थी पर्दे के ऊपर की कहानी। पर्दे के पीछे ये सारे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं और शूट के बीच में अपने लिए स्नैक टाइम निकाल ही लेते हैं। मुंबई से राज दीक्षित के साथ सोमा वैद अवस्थी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।